हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता पटेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजे पटेल इंस्टीट्यूट। हमारे जो प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर्स है वो आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, वैसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी बहुत ही हेल्पफुल होगा और नॉलेज जो है वो शेयर करने से इंक्रीज़ होता है। तो आई होप आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी 3.11 को परफॉर्म करने वाले हैं और इस एक्टिविटी के अंदर हम चेक करेंगे कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और उनके बेस पर हम उनकी रिएक्टिविटी जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है। इस एक्टिविटी के लिए हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने ये जो 5 टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ऐड किया है और रिएक्शन के लिए हमने मैग्नीशियम रिबन ली है, एल्यूमिनियम फॉइल ली है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, आयरन नेल एंड कॉपर वायर को लिया है। यहाँ पर हमने पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको कंसिडर नहीं किया है। सबसे पहले हम ये जो एसिड है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री अराउंड आ रहा है। अब सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन जो है उसको HCl में ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बबल्स फॉर्म होते हुए देख सकते हो। सेकेंड टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसके पीसीस ऐड करेंगे। थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करेंगे। फोर्थ में हम आयरन नेल्स ऐड करेंगे और जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम कॉपर वायर को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन है वो हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और ये जो टेस्ट ट्यूब है उसका टेम्परेचर भी बहुत ही राइज हो गया है। यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वहाँ पर भी आप बबल्स फॉर्म होते हुए देख सकते हो। यहाँ पर देखो आयन जो है वो लो रिएक्टिव है तो वहाँ पर बहुत ही कम बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और कॉपर जो है वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हमें एक भी बबल्स दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो भी हाईली रिएक्टिव है HCl के साथ, यहाँ पर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब हम वन बाय वन टेम्परेचर चेक करेंगे। यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल रहा है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री टेम्परेचर हमें मिल रहा है। अब हम जिंक ग्रेन्यूल्स का टेम्परेचर मेज़र करेंगे।
वो हमें अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। और ये जो आयन है वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 38 अराउंड हमें टेम्परेचर मिल रहा है। अब हम कॉपर और HCl का टेम्परेचर चेक करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री जो नॉर्मल HCl का टेम्परेचर था वही हमें मिल रहा है, बिकॉज कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो हाईली रिएक्टिव है विथ HCl, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक ग्रेन्यूल्स और आयरन। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। और ये सभी जो मेटल्स है, जिंक, मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम और आयरन, उसकी जो HCl के साथ केमिकल इक्वेशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा और हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो आपके फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।